नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन के अहम सूत्रधार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 दिसंबर को एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखाई देंगे। अमित शाह के नेतृत्व में इस रविवार को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि वे इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में अमित शाह, नीतीश कुमार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। पिछले साल ये बैठक पश्चिम बंगाल की एक ही राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी। 2022 की बैठक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक थी। नीतीश कुमार से जब 5 राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम पर सवाल किया गया तो नीतीश का कहना था कि कांग्रेस को एक राज्य में जीत मिली है और चुनाव में इस तरह का परिणाम होता रहता है। नीतीश ने यह भी कहा कि पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी और इस बार भी बड़े स्तर पर कांग्रेस को वोट मिला है। नीतीश से जब इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बैठक जब भी होगी वे उसमें जरूर शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन बहुत से नेताओं के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से इस बैठक को आगे के लिए टाल दिया गया। इसके अलावा इस बैठक को टालने की वजह एक प्रमुख ये भी मानी जा रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बैठक में आने से इनकार कर दिया, उसके बाद इसकी वजह ये मानी जा रही है कि इसे टाल दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के 3 राज्यों में प्रचंड हार के बाद यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस का घमंड टूट गया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने पहले इस मामले पर कांग्रेस की 3 राज्यों में हार पर बयान दिया था कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है और जेडीयू के कई नेताओं ने कांग्रेस के केंद्र में नेतृत्व पर सवाल उठाए थे कि जब कांग्रेस 3 राज्य के विधानसभा चुनाव इतनी बुरी तरह से हार गई तो इंडिया गठबंधन की ओर से 2024 में वो नेतृत्व कैसे कर सकती हैं। अब इस पूरे मामले पर देखना है कि यहां नीतीश कुमार और बाकी नेताओं के समर्थन से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का क्या स्तर और क्या वापसी मजबूती से कांग्रेस कर पाएगी या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, कॉमेंट बॉक्स में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।